हाय फ्रेंड नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, प्रीव्यू पर जो आपने स्टार्टस वीडियो देखा, इस तरह का स्टार्टस वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, जो कि लिरिक्स जो 90 डिग्री में स्ट्रेच होकर आ रहा है और जब जा रहा है तो 180 डिग्री में स्ट्रेच होकर जा रहा है। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड में फ़ोटो है वो 45 डिग्री में ऑक्सीलेट होकर आ रहा है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इस वीडियो में बताऊँ कैसे आप इस तरह का स्टार्टस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्त, वीडियो पसंद आ जाएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। दोस्त, वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैंने आ गया हूँ। लाइट मोशन आप पर देखिए, नीचे की तरफ एक प्लस की निशान आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और प्रोजेक्ट जो उसको 9:16 लेकर रिजोल्यूशन 1080p रखना है और साथ ही साथ फ्रेम रेट को 60fps रख कर क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए नीचे की तरफ एक प्लस की आइकन आ गया, अब उस पर क्लिक करके आप पहले एक सॉन्ग ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सॉन्ग लाएंगे, इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके एड ऑप्शन पर आपको चले जाना है और व्यू ऑल ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्त, नीचे की तरफ चले जाना, जो भी आपकी सॉन्ग है उसको ऐड कर लीजिए प्ले करके। मैंने दोस्त सॉन्ग को ऐड कर लिया। अब दोस्त मैं एक फ़ोटो ऐड करूँगा, बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी नॉइज आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना है। तो सबसे पहले दोस्त ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से मीडिया ऑप्शन पर आपको चले जाना है और जिस फोटो पर अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो उस फोटो को ऐड कर लीजिए। दोस्त मैंने इस फोटो पर स्टेटस वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। अब मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस ऑप्शन पर जाकर उसको थोड़ी बहुत हम जूम कर लेंगे, स्किन के साथ मैच कर लेंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ एक 3 डॉट भी आएगा फोटो के लेयर पर क्लिक करोगे तो उस पर भी आप फिल द स्क्रीन कर सकते हो। अब दोस्त लास्ट तक जाके इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसको इसे स्ट्रेच कर लेना तो फोटो बड़ा हो जाएगा। अब दोस्त हम इस फोटो के ऊपर एक इफेक्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको इफेक्ट पर जाना है। ऐड इफेक्ट पर जाके सर्च बार पर टाइप करना है ऑक्सीलेट, जैसे ही आप OSCILAT कुछ इस तरह का इफेक्ट है तो आप इस तरह सर्च करोगे तो सर्च बार पर आ जाएगा, उसको ऐड कर लेना और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना। देखिए उसका जो एंगल रहता है, एंगल को 45 डिग्री ही रहने देना है, उसमें कोई छड़कन नहीं करना है। और फ्रीक्वेंसी जो रहता है, फ्रीक्वेंसी को आपको लगभग 0.30 कर लेना, लगभग नहीं, एक्यूरेट 0.30 आपको रख लेना है। उसके बाद दोस्त डिस्क्रिप्शन पर मैंने एक HTML फाइल का प्रोजेक्ट दिया हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लेना जो गूगल ड्राइव के अंदर होगा, आप उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए और लाइट मोशन ऐप पे उसको शेयर कर लीजिए। उसमें कुछ इस तरह मैंने ये लिरिक्स का प्रोजेक्ट दिया हूँ, तो आप बैक आ जाना, मैंने जो प्रोजेक्ट अभी दिया हूँ जो आप एलाइट मोशन पे शेयर किए हो उस प्रोजेक्ट को ओपन करना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ, इसलिए इस लेयर को कॉपी कर लेना और बैक आ जाना। और अभी जो हमने स्टेटस वीडियो बनाए हैं उस पर आ जाना, वहाँ पे आके पेस्ट लेयर कर देना। दोस्त ये है लिरिक्स लेयर, उसका कलर अभी नहीं दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके कलर ऑप्शन पर चले जाना और कलर को ब्लैक कर लेना। उसके बाद दोस्त फिर से हम मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर जाके उसको थोड़ी सी ऊपर में सेट करेंगे, आप जिस जगह पर सेट करना चाहते हो उस जगह पर सेट कर लीजिए। अब दोस्त देखिए कुछ इस तरह का लिरिक्स दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब दोस्त हम हमारा नाम लिखेंगे, आईडी का नाम, तो फिर से ऐड ऑप्शन पर जाके टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना और आपका जो भी नाम है वो लिख लीजिए। तो जल्दी से मेरा नाम वो लिख लेता हूँ मैं, मेरा नाम सर, तो ठीक है दोस्त मेरा नाम मैंने लिख लिया। अब देखिए जो सेंटर में अलाइन करने का ऑप्शन था उस पर क्लिक कर देना और उसका कलर को ब्लैक कर लेना। अभी जो फ़ॉन्ट मैंने यूज करूँगा इसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके लाइट मोशन में इनपुट कर लेना। अगर फ़ॉन्ट इनपुट करना आपको नहीं आता था, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। तो अब दोस्त इस फ़ॉन्ट को, इस हमारी आईडी को थोड़ी सी ऐसे छोटा करेंगे और मूवमेंट ट्रांसफर पर जाके उससे पहले हम उसको फास्ट में ले आते हैं, तो ये ऑप्शन पर क्लिक कर देने से फास्ट पर चले आएगा। अब दोस्त मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर क्लिक करके हम उसको थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, सही जगह पर। आप ये रेड लाइन को देखकर एडजस्ट कर लेना सेंटर में बिल्कुल। उसके बाद दोस्त अब हम इमोजी ऐड करेंगे, तो आप फिर से ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से आपको टेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। और अगर आप लव सॉन्ग के ऊपर आपका वीडियो बना रहे हो तो कोई लव सॉन्ग जैसा 3-4 इमोजी ऐड कर लीजिए। तो जल्दी से मैं 3-4 इमोजी ऐड कर लेता हूँ। देखिए दोस्त मैंने कुछ इस तरह इमोजी ऐड कर लिया, उसको भी सेंटर में अलाइन कर देना। ये जो कलर ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको चले जाना है और फिर से ये जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ये बार को नीचे की तरफ ले आओगे तो ये ट्रांसपेरेंट होकर इमोजी दिखने लग जाएगा। अब दोस्त देखिए जो रोबोट रेगुलर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना। मैंने और एक इमोजी का फॉन्ट दूंगा जो कि फॉन्ट iOS इमोजी में कन्वर्ट हो जाएगा,
जो कि इस इमोजी से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, उसको भी आपको एलाइट मोशन ऐप में इस फोन को इनपुट कर लेना, ठीक है। तो उसको यूज करके आप राइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्त इसका बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन पर जाना और उसका शैडो को ऑन कर देना और फिर से उसी लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर कर जाना, थोड़ी सी ऐसे छोटी करना, ये ऑप्शन पर क्लिक करके और ऊपर की तरफ ला के बिल्कुल आईडी के नीचे सेट कर देना। अब दोस्त लास्ट तक हम चले जाएंगे और ये लास्ट दोनों को बढ़ाएंगे तो ऊपर की जो दो लेयर, एक आईडी का नेम और एक इमोजी लेयर, तो ये दोनों लेयर को सिलेक्शन करके लास्ट तक बढ़ा लेना। अब दोस्त देखिए लिरिक्स हमारे नीचे की तरफ है तो कुछ इस तरह होल्ड करके ऊपर की तरफ आप ले जाना और प्ले करके सुन लेना। आपका दूसरा लिरिक्स जहाँ से शुरू होता है उसी जगह पर आ जाना, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेयर को कॉपी लेयर कर देना और फिर से जिस जगह पर आपकी लिरिक्स शुरू होता है उस जगह पर आके पेस्ट लेयर कर देना। अब दोस्त हम सेकेंड लिरिक्स लिखेंगे तो एडिट टेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना और आपकी जो भी सेकेंड लिरिक्स है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो यार प्लीज़ माफ़ कर देना। अब दोस्त देखिए मैंने सेकंड लिरिक्स लिख लिया। अब मान लो मेरा लिरिक्स छोटा या बड़ा हो रहा है, मान लो मेरा लिरिक्स इतनी दूरी तक आ रहा है तो मैंने उसको किस तरह बढ़ाऊँगा, इस तरह इस लेयर पर क्लिक करना, टाइमर ऑप्शन पर क्लिक करके ये स्टेज ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ये लिरिक्स बड़ा हो जाएगा, या छोटा करना चाहते हो तो भी उस ऑप्शन पर छोटा कर सकते हो। फिर से पेस्ट लेयर करना, फिर से एडिट टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना, उसको इरेजर कर देना और आपकी तीसरी लिरिक्स लिखना। ऐसे आई होप दोस्त आप तीसरी चौथी करके आपकी जितनी भी सारी लिरिक्स है ये सारी लिरिक्स को आप लिख सकते हो। आई होप दोस्त आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप समझ रहे हो कि नहीं, अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्त ऐसे करके आप तीसरी चौथी आपकी जो भी जितनी भी लिरिक्स है सब लिख सकते हो। अब देखिए दोस्त राइट साइड की टॉप कॉर्नर पर आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर इस स्टेटस वीडियो का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फुल एचडी में, ठीक है। तो ये था दोस्त आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना और बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रहा है तो प्लीज़ यार नज़रअंदाज करना आप। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू यार, बाय।